दोस्तों, यह है होंडा की तरफ से आने वाली SP160, जिसे कंपनी ने अपडेट कर मार्केट में पेश किया है। तो चलिए हम इस बाइक की पूरी जानकारी आपको देते हैं। इसमें कैसे इंजन मिलेगी, कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे और यह बाइक आपको कितनी माइलेज देगी। साथ में ये भी बताएंगे कि अगर आप इस बाइक को ख़रीदना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है राइडर फैमिली में एक और नए बाइक के साथ। सबसे पहले हम इस बाइक के लुक और ग्राफिक्स की बात करेंगे। इस बाइक की फ्रंट प्रोफाइल की बात करें तो इसके फ्रंट में आपको LED हेडलाइट सेटअप दिए गए हैं, वहीं इसमें हैलोजन साइड इंडिकेटर दिया गया है। खास बात यह है कि इसमें आपको हैजर्ड का ऑप्शन दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसके फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट फोक्स दिया गया है। इसके अलावा इसके फ्रंट में आपको 8017 का टायर मिल जाता है विथ एलिवेज। ब्रेकिंग की बात करें तो इसके फ्रंट में आपको 276 mm का डिस्क ब्रेक मिल जाता है विथ सिंगल चैनल ABS। अब बात करते हैं हम इस बाइक की साइड प्रोफाइल की, तो इसमें आपको सर्प टैंक डिज़ाइन देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी स्पोर्टी लगते हैं। इसके ऊपर अच्छे ग्राफिकली डिज़ाइन किए गए हैं, साथ ही इसके ऊपर आपको E20 लोगो मिल जाता है। इसमें आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी मिल जाती है। अब चलते हैं हम इस बाइक के रियर प्रोफाइल पर, तो इसके रियर में आपको LED टेल लाइट सेटअप मिल जाता है, साथ ही साइड इंडिकेटर को हैलोजन में रखा गया है। रियर टायर साइज की बात करें तो रियर में आपको 130/70/17 का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है विद एलॉय व्हील्स। इसके रियर में 220 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। रियर सस्पेंशन की बात करें तो इसके रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। अब हम बात करते हैं इस बाइक के इंजन और पावर की। इस बाइक में होंडा की बेहतरीन 162.71 cc का BS6 OBD फेज 2 इंजन दिया गया है, जो 7500 rpm पर 13.46 PS की मैक्सिमम पावर और 5500 rpm पर 14.58 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन को 5 मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है, तो इस बाइक में आपको बेहतरीन पावर और टॉर्क मिल जाती है। अब हम चलते हैं इस बाइक के मीटर कंसोल पर। तो इस बाइक में कंपनी ने फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया है, जिसमें आप स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, टेकोमीटर के साथ साथ गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल इंडिकेटर के साथ साथ सर्विस इंडिकेटर को भी देख सकें। स्मार्ट फीचर्स के तौर पर इसमें साइड स्टैंड कटऑफ सेंसर को भी दिया गया है। अब बात करते हैं इस बाइक की माइलेज की। तो कंपनी दावा करती है कि यह बाइक आपको 65 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज निकाल के देती है। और अब बात करते हैं इस बाइक की एक शोरूम प्राइस की। तो इस बाइक की एक शोरूम प्राइस 1,22,000 रुपये है। इस बाइक की ऑन रोड प्राइस की बात करें तो ये आपके एरिया के हिसाब से अलग अलग होती है। आप कहाँ से यह वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में एक लाइक कर कमेंट में अपना एरिया का नाम बताएं, हम आपको आपके एरिया का ऑन रोड प्राइस का डिटेल्स रिप्लाई में सेंड करते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो होंडा का न्यू SP160 एक अच्छी बाइक है, जो आपको एक स्पोर्टी लुक के साथ साथ अच्छी इंजन और बेहतर माइलेज भी देती है। आपको ये बाइक कैसी लगी कमेंट में बताएं और अपना ओपिनियन शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और वैसे ही बाइक से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको बाइक से रिलेटेड नए नए वीडियो मिलती रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए बाइक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।